कप आपको सूजी लेना है, 1 छोटा टीस्पून सॉल्ट, हाफ कप मैदा और ये 1 कप गरम पानी, और ये थोड़ा सा तेल लगाएंगे ऊपर से जाके ड्राई नहीं हो। और आटे को लगाना स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट डालेंगे इसमें, फ्लावर डालेंगे और फिर गरम पानी से अच्छे से आटा लगाएंगे। थोड़ा आपको ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि अच्छा रहे। इसको आपको लगाने रहना है, आटा गीला भी नहीं होना चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल लगाएं आटे के जैसा, जैसे आप रोटी बनाते हैं। और इसमें हम काफ़ी पूरी बनाने वाले हैं तो इसलिए हम थोड़ा लगा रहे हैं, हम आपके ठीक करीब 120 और 100 के लगभग बनाएंगे। हमारा आटा लग गया है, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको हमारा आटा लग गया है तो हम इसको 20 मिनट के लिए अभी रख देंगे। 20 मिनट के बाद पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारा आटा रेडी है, तो अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं 20 मिनट के लिए ढककर। ओके, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। ये देखिए ऐसे लोई बना लेना है आपको, एक लोई में आई थिंक 6-7 तो निकल ही जाता है, लोई अपने हिसाब से रखना है बड़ा या छोटा। और फिर चलिए मैं आपको बेल के बताता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं हमने रोटी बेल लिया है, ये हमारा सांचा है, तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमने काट लिया है सब, अब इसको निकालेंगे साइड से। बड़ा इजी है बनाना, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, वेरी नाइस। सो अभी आ गई है फ्राई करने की बारी, तेल हमारा गर्म हो चुका है तो चलिए हम एक एक करके डालते हैं। तेल गर्म हो चुका है हमारा, जैसे कि देख रहे हैं हमारी पूड़ियाँ डब्बे के जैसे फूट गई हैं, आप भी ऐसे ही बना दें घर पे। दोस्तों हमारा पानी पूरी का पूरी तैयार है, देखिए कितना क्रिस्पी बना है ये, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बनी है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।